नमस्ते, वेलकम टू सिंपली गीता। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ डोसा। तो देखिए, उसके लिए वही मैटर है, इडली बन गई, सांभर बन गई, चटनी बन गई, और अब मैं दिखा रही हूँ कि डोसा मैंने उसी मैटर से कैसे बनाया। तो उस मैटर को थोड़ा सा पहले पानी डाल के पतला कर लिया, क्योंकि इडली बनाई थी तो देखा था ना कैसे था, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा था, तो इस पर वो स्प्रेड नहीं होता, बहुत अच्छे से फैलता नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल के और मैटर को पतला कर लिया। अब ये देखिए डोसा बनाना कितना आसान है। और एक मैं जब डाल दी थी ना पैन में, उसके बाद मुझे समझ में आ गया, अरे मुझे तो दिखाना भी था कि कैसे बनाया है। तो एक देखिए फैलाने के बाद इसको किस तरीके से किया जाता है। थोड़ा सा वो जो कुकिंग ऑयल, कोई भी आप जो खाते रिफाइंड है या कोई भी जैसे तेल वगैरह जो भी आप डालना चाहें उससे बना लीजिए। सरसों का तेल मत डालिएगा। हाँ, और उसके बाद देखिए कितने आराम से ये पतला क्रिस्पी और बहुत अच्छा डोसा बना था। असल में ये वीडियो जो जा रही है वो 2 दिन के बाद जा रही है, जब मैंने दिखाया था डोसे का मैटर और ये डोसा, इडली बनी, डोसा बना, सांभर और चटनी तो मैंने बता दी थी, लेकिन इसकी वीडियो जाने में 2 दिन लेट हो गया है, लेकिन उसी मैटर से सब बना था। तो पता चल रहा होगा कि कितना आसान है, इसको देख के भी लग रहा है, देखिए कितना क्रिस्पी हुआ, कितना अच्छे से। और ये प्लेन डोसा है, मसाला डोसा मैं किसी और दिन बताऊंगी। कितना अच्छा सा डोसा बन के तैयार है, बस खाने के लिए रेडी हो जाइए। तो देखिए सबसे पहले ना पैन गरम करके उसमें जो है थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, बहुत ज़रा सा, और ये मैटर जितना मोटा पतला आपको बनाना है। और देखिए इसमें डालिए आराम से धीरे धीरे, बिना किसी हड़बड़ के, और सही लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा और चला दीजिए मटर। फ्लेम को तेज कर दीजिए और इसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसको जो है डाल दीजिए। ये मैं जो है प्लेन डोसा बना रही हूँ, और किसी दिन मैं वो भी बताऊंगी। देखिए कितने आराम से छूट गया सब तरफ से, थोड़ा ये सिक जाए उसके बाद पलट देते हैं। और ये वाला डोसा देखिए कितना पतला अच्छा बना है, क्रिस्पी, बहुत क्रिस्पी बना है ये। उस रूम में